स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश मौसम अलर्ट, यूपी में तेज हवाओं के साथ आज हो सकती है बारिश। जाने मौसम विभाग का क्या है ताजा अपडेट, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि कल को शहर का मौसम शुष्क रहा, मौसम हल्का ठंडा रहा। पश्चिमी प्रदेश के उच्च इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज को राजधानी का मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दो दिनों में पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश में चमक के साथ तूफानी हवाओं के चलने की भी चेतावनी भी जारी की गई है। कल को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर का AQI स्तर 135 पर दर्ज किया गया। प्रदेश में आपको बता दें कल को सबसे कम तापमान फतेहगढ़ में 8.4 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान कानपुर में 29, प्रयागराज में 29, सुल्तानपुर में 29 दर्ज किया गया। इसके अलावा सोनभद्र के चुरक में 2.4 मिलीमीटर और वाराणसी में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक देवी गुप्ता के अनुसार कल को शहर का मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश में चमक के साथ हवाओं के चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, जम्मू, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि फरवरी में मौसम बार बार करवट बदल रहा है और तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हिमालय के पास पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको बता दें कल को अधिकतम तापमान बढ़कर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते सुबह और शाम को शीतलहर सता रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूरे सप्ताह इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद जताई है। वहीं जल्दी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने वाला है जिसका असर यूपी में पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे बारिश के आसार बन रहे हैं। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि CSABB के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आयसन सुनील पांडे ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास के हिस्सों में बना हुआ है। इसके साथ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर है। एक टेढ़ रेखा पूर्वी राजस्थान पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक जा रही है। उधर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में भी है। उन्होंने बताया है कि आपको बता दें कल की शाम तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालय के पास पहुंचने के आसार हैं। इसके चलते पश्चिमी यूपी में बारिश के भी आसार बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी नम हवाएं आपको बता दें 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसके कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।